Khan Academy. Let's crack it. यदि आप एमपीपीएससी और व्यापार से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एन अकेडमी आपके लिए लेकर आया है आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 भी चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अकेडमी का ऐप और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज करना है। और यहाँ पे एमपीपीएससी आप गोल यूज करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का, यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार10। याद रहे सरकार10 प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 को क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ पे अनअकैडमी प्रेजेंट कर रहा है मेगा फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल। 5 दिन फ्री रिवीजन कैंप है फॉर टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। 23 जनवरी से यह शुरू हो रहा है, 27 जनवरी तक है और यहाँ पे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे चैंपियनशिप चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की। यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन। ये आप तारीख देख सकते हैं, इन तारीखों पर आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का। यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, 60 डेज का क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और यहाँ पे एमपीपीसी प्रीलिम्स, यहाँ पे 60 डेज का रिविजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीसी की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिविजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चलाया जा रहा है। 35 दिन में आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको एमपीपीएससी और व्यापार संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार10। सरकार10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार श्रीविस एजुकेशन में। और इस वीडियो में हम बहुत ही सामान्य सी चर्चा परिचर्चा हम करने वाले, चर्चा परिचर्चा ये होगी सामान्य विज्ञान यानी GS3 का पेपर जो है उसके अंतर्गत, यानी जो हम मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं उसमें GS3 यानी जो पेपर 3 है उसमें जो इकाई है 10 इकाई, ठीक है, 10 इकाई जो है ये है 300 नंबर की, 300 अंक की है। इससे संबंधित कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा और ये बहुत ही आसान से सवाल होंगे, और क्योंकि इसके बाद आगे की जो राह है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है, आपके और हमारे ऊपर डिपेंड करेगी किस प्रकार हम आगे चलना है और आपको आपको पढ़ना है, हमको पढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं कुछ सवाल या सुझाव आपसे लेना चाहूँगा, सवाल पूछना चाहूँगा और सुझाव आपसे लेना चाहूँगा किस प्रकार चीज़ें यहाँ पर चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं इकाई 1 हमने कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ वायुमंडलीय दबाव वाला जो पोर्शन है शायद वो रह गया है, ठीक है, तो इसको भी हम बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। हमने इसको भूगोल में पढ़ चुका, ठीक है, भूगोल में भूगोल वाले पोर्शन में पढ़ लिया इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। लेकिन यदि आपने कई स्टूडेंट यदि चाहते हैं और कुछ स्टूडेंट की तो रिक्वेस्ट आई है कि सर ये वायुमंडल दबाव वाला इसमें इसके अंदर कंप्लीट करा दिए तो उसमें भी इसमें डाल दूंगा, ठीक है, इसकी इसमें समस्या वाली कोई दिक्कत है नहीं। और इकाई 2 हमने रसायन विज्ञान पढ़ लिया, ठीक है, और इसके बाद हमने जो हमारा चल रहा है इकाई 3 जो जीव विज्ञान वाला पोर्शन है, जीव विज्ञान का जो पोर्शन है, ठीक है, ये सभी जितनी भी इकाई है 30 नंबर की आपने पाठ्यक्रम देखा है, 30 अंक की इकाई है सभी, ठीक है, 30 कुल 10 इकाई हो गई, 300 अंक की इकाई है, ठीक है। तो इस बार जो पाठ्यक्रम बदला है उसके अंतर्गत ये 300 अंक की इकाई हो गई है यहाँ पे सामान्य विज्ञान की, ठीक है, पहले ये 150 अंक की हुआ करती थी, ठीक है, 2019 के पाठ्यक्रम यदि आप देखें तो 150 की हुआ करती थी और 150 में जो अर्थव्यवस्था का जो पोर्शन था वो था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो वेटेज बढ़ा है, ठीक है, 2020 एमपीपीएससी 2020 के मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम में इसका वेटेज बढ़ा है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि प्रीलिम्स में भी इसका काफ़ी सारा पोर्शन है इंक्लूड है, ठीक है, यानी आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो मेंस होगा और मेंस की तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स आपका होगा, इस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे हम जो इकाई 3 पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं और लगभग 50 के आसपास हम लेक्चर यहाँ पे ले चुके हैं, ठीक है, लगभग 50 के आसपास लेक्चर यहाँ पे हो चुके हैं। तो यहाँ पे
पोषण हमारा काफी बचा हुआ है, काफी मतलब जो अंग तंत्र वगैरह है, ठीक है, अंग तंत्र वाले हैं वो पोषण बचा हुआ है काफी। इससे मतलब ये अंग तंत्र वाले जितने भी पोषण वो बचे, जैसे पाचन तंत्र अभी, ठीक है, पाचन तंत्र हमने शुरू किया अभी, श्वसन तंत्र, ठीक है, परिसंचरण तंत्र और जितने तंत्र हैं यहाँ पे बचे हुए, और इसके बाद स्वास्थ्य, स्वच्छता, बीमारी वगैरह, ये इसका पोर्शन यहाँ पे बचा है, और ये पशु और पौधों में प्रजनन यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है मानव शरीर के अंग संरचना और कार्य प्रणाली, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हम हमको पढ़ना है, तो यहाँ पे अभी समय लगने वाला है मुझे से लगता है, क्योंकि जिस स्पीड से हम चल रहे हैं और जितने जो लेक्चर की लेंथ है वो छोटी है हमारी, तो उस स्पीड से मुझे लगता है कि हम थोड़ा लेट पहुँचेंगे हमारे मंजिल तक, यानी जो हमारा पाठ्यक्रम है थोड़ा लेट कंप्लीट होगा, ठीक है। लेट लेट तो मतलब है कि नंबर ऑफ, यानी नंबर ऑफ वीडियोस, यानी लेक्चर की संख्या यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है, लेक्चर की संख्या यहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि यदि ज़्यादा लेक्चर, ज़्यादा लेंथ के लेक्चर हम रखते हैं तो आप भी कहने लगते हैं सर हमको नोट्स वगैरह बनाने होते हैं, तो काफ़ी हैवी हो जाता है, आप उसको संभाल नहीं पाते, तो ये भी एक समस्या है। तो इस प्रकार से दो समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है, कि ज़्यादा लंबे यदि हो तो आपको समस्या है, छोटे हो तो समस्या है, छोटे हो तो फिर हम पाठ्यक्रम जल्दी नहीं कर पाएंगे, ये समस्या है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताइए कि क्या एक दिन में आप दो लेक्चर इसके देख सकते हैं, कि या फिर दोपहर में और शाम में ऐसा कुछ बन सकते हैं, ऐसा कुछ जुगाड़मेंट आप जमाइए, अपना टाइम वगैरह एडजस्ट कीजिए कि आप इसके दो लेक्चर ले सकते हैं, हम आधा आधा घंटे के दो लेक्चर हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, जीव विज्ञान से ही संबंधित। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किया था, कि इस 3-4 इकाइयों को एक साथ लेके चलने का प्रयास किया था, तो वो अभी संभव नहीं हो पाई है मेरे द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे इकाई सात में साथ में लेकर चल रहा था, आठ आठ साथ में लेकर चल रहा था, इसके साथ एक दो लेक्चर हम ले भी चुके हैं, इकाई 9 भी हम साथ में लेकर चल रहे थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे स्टार्ट किए थे, ठीक है। इकाई 5 भी हमने शुरू किए थे, लेकिन वहाँ पे समस्या ये आ रही कि वो लेक्चर है वो एक साथ इतने सारे अपलोड नहीं हो पा रहे, ठीक है, क्योंकि फिर आपको भी समस्या होती है, क्योंकि इतने सारे लेक्चर है तो आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ साइंस एंड टेक के लेक्चर नहीं आ रहे, बाकी सब्जेक्ट के लेक्चर भी आ रहे हैं, ठीक है, जो जो हमारे MD सर है, मिस्टर अरविंद सोलंकी सर, उनके लेक्चर भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा थोड़ी सी समस्या हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इसी समस्या को दूर करने के लिए हम इस चर्चा परिचर्चा के इस सेगमेंट में हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आपके जो भी सुझाव हो आप दे सकते हैं कि किस प्रकार से आगे चलना चाहिए। मैं अभी सोच रहा हूँ कि 30 30 30 मिनट के दो लेक्चर अभी आ जाए, ठीक है, अगले जो दिन बचे हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे दो लेक्चर यदि आ जाए तो क्या आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो लेक्चर आएंगे तो फिर भी 28 मिनट के 28 या फिर 26 मिनट के आसपास ये इसमें इफेक्टिव स्टडी होगी, और बाकी में जो एड्स वगैरह आते हैं तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप मान लीजिए 26 मिनट का ही लेक्चर, ठीक है, 30 मिनट का आएगा तो 26 मिनट का लेक्चर, क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि दिन में दो लेक्चर आ जाए, ठीक है। यदि आप हो तैयार तो आप बता दीजिए, मैं यहाँ पे डेली दिन में दो लेक्चर आपको डालना शुरू कर दूंगा, ठीक है, ये जीव विज्ञान संबंधित, क्योंकि हमें हमारा पोर्शन भी कंप्लीट करना है, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है, और यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम को यदि हम कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम, जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, वो हम आसानी से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का इंक्लूड है, दोनों का जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है और मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, दोनों यहाँ पे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो यहाँ पे यदि हम एक कंप्लीट करेंगे दूसरा कंप्लीट होगा, इस प्रकार से चीज़ें रहेगी। और जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया हुआ कि यदि आपको मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है पूरा, तभी आप प्रारंभिक परीक्षा में बैठी, इस प्रकार की चीज़ें हम बात कर चुके हैं, तो इसलिए मैं मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे पूरा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बायोलॉजी के लेक्चर भी बहुत जल्दी जल्दी हमको करने करने होंगे, तो आपकी स्पीड बता दीजिए, ठीक है, आपकी स्पीड आप किस प्रकार से लेकर चल सकते हैं ये आप मुझे बता दीजिए, तो यहाँ पे हम उसके अनुसार यहाँ पे कंडीशन बनाएंगे, ठीक है, किस प्रकार चीज़ें यहाँ चलेगी। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर की इकाई आपको आपकी शुरू कर दी जाएगी बहुत जल्द, इसका मटेरियल पूरा बन चुका है, ठीक है, सारा मटेरियल बन चुका है, PPT बन चुकी है, इसको रिकॉर्ड करके डालना बस है, बस ये इसकी आखिरी प्रोसेस रह गई, ठीक है। कोई लेक्चर बनता है तो उसकी काफ़ी सारी स्टेजेस रहती हैं, ठीक है, मटेरियल कनेक्ट करना, फिर उसको अरेंज करना, ये सारी चीज़ें रहती है, उसके लिए तैयारी वगैरह करना, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो चुकी, लास्ट लास्ट प्रोसेस बची है इसको रिकॉर्ड करने की, रिकॉर्ड और अपलोड, ठीक है, दो चीज़ें बची है, तो ये बहुत जल्द हो जाएगी, इसकी आप चिंता ना करें। और यहाँ पे जो इकाई 5 वगैरह मैथमेटिक्स का पोर्शन है, ये हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हमको प्रीलिम्स में काम आएगा, ठीक है, प्रीलिम्स का सी सेट वाला जो पोर्शन है, ठीक है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट वाला जो पोर्शन है उसमें काम आएगा, जो क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग नेचर का होता है उसमें काम आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार चीज़ें यहाँ पर रहेगी, तो ये भी सारे सारे सारी इकाइयाँ, सारी यूनिट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। यहाँ पे आप यदि यूनिट 7 करेंगे तो यहाँ पे जो प्रीलिम्स में दिया गया है कि प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान वगैरह उनके नाम और वैज्ञानिकों नाम वगैरह वहाँ पे पूछे गए हैं, तो प्रीलिम्स और मेंस का यहाँ पे काफ़ी हद तक ये इकाई साथ में मिलता जुलता पोर्शन है। तो इस प्रकार चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे वही वही मेरा सवाल है कि किस प्रकार से आप चाहते हैं। तो देखिए, आपको दो तीन सवालों का आपको जवाब देने, कमेंट बॉक्स में दो तीन सवालों का जवाब देने। क्या आप दो लेक्चर्स के लिए तैयार हैं, दो लेक्चर्स डेली जो कि बायोलॉजी से होंगे उसके लिए तैयार हैं, या फिर जो डिफरेंट सब्जेक्ट है उसके हम लेक्चर लाएं, जैसे एक एक आया बायोलॉजी का, दूसरा आएगा मैथ्स का, इस प्रकार चीज़ें हो, या फिर एनर्जी वगैरह का, ये या फिर टेक्नोलॉजी का, इस प्रकार चीज़ें हो, या फिर आप एक ही प्रकार के लेक्चर चाहते हैं। ये दो सवाल यहाँ पे होगा, ठीक है। एक ही प्रकार के लेक्चर चाहते हैं या फिर दो अलग अलग विषयों के लेक्चर चाहते हैं। और यहाँ पर सवाल ये है कि आप दो लेक्चर चाहते हैं या इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, इससे कम भी जा सकते हैं, या फिर इसकी लेंथ वगैरह जो भी हो आप बता दीजिए, ठीक है। आपको आपको कितना आप कितना कैच कर सकते हैं ये मुझे पता चल जाएगा, तो आगे के जो लेक्चर्स है उसको बनाने में काफ़ी सहायता होगी, ठीक है। इस प्रकार से दो सवाल है आपके लिए, दोनों सवाल के जवाब, तीन सवाल सॉरी, एक दो तो यही हो गए, तीसरा सवाल भी ये है कि आपको जो लेंथ वगैरह वो कितनी रखनी है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये इन सवालों के साथ मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, और आई होप आप कोऑपरेट करेंगे और अपने जो भी समस्या है आप या भी जो भी सुझाव हो आप यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके सुझाव के साथ। यदि आप MPPSC और व्यापार से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है आकर्षक फ्री प्लान, और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20,000 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 भी चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और MPPSC से संबंधित गोल यूज करना है, और यहाँ पे MPPSC गोल यूज करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का, यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार10, याद रहे सरकार10, प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। यदि आप MPPSC प्रीलिम्स 2020 को क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ पे अनअकैडमी प्रेजेंट कर रहा है मेगा फ्री MCQ फेस्टिवल, 5 दिन फ्री रिवीजन कैंप है फॉर टारगेट MPPSC प्रीलिम्स 2020 के लिए। 23 जनवरी से ये शुरू हो रहा है, 27 जनवरी तक है, और यहाँ पे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे चैंपियनशिप चल रही है MPPSC प्रीलिम्स 2020 की, यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन। ये आप तारीख देख सकते हैं, इन तारीखों पर आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का एक क्रैश कोर्स है यहाँ पे, और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और यहाँ पे MPPSC प्रीलिम्स, यहाँ पे 60 डेज का रिविजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू MCQ सीरीज, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी MPPSC की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है, और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प MPPSC प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिविजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चलाया जा रहा है, 35 दिन में आप MPPSC की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको MPPSC और व्यापार संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है, और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है, और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार10, सरकार10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट। An academy. Let's crack it.